हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस मेडिकल चैनल पे मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं यूरिकाइन टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का प्रयोग मूत्र मार्ग की मांसपेशियों में ऐंठन के इलाज में और उनकी रोकथाम के लिए किया जाता है। इसमें पेशाब करते समय दर्द का होना, रात के समय अधिक पेशाब आना तथा पेशाब के प्रवाह को रोक नहीं पाना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। तो आज हम इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए यूरिकाइन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसकी साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशन है, क्या इसकी इंट्रैक्शन है और क्या इसकी डोज है, तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूरिकाइन टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। यूरिकाइन टैबलेट के बारे में बात करें तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो फ्लावोक्सेट 200 mg इसमें कंपोजिशन दिया होता है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करें तो ₹152 इसका MRP होता है और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती हैं। अब हम यूरिकाइन टैबलेट की यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो मूत्र त्याग करने में दर्द होने पर इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और बात करें तो बार बार पेशाब आने पर भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। मूत्राशय में संक्रमण होने पर भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। मूत्र रिसाव में, मूत्राशय की ऐंठन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और बात करें तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है? इसको हम सामान्य भाषा में अति सक्रिय मूत्राशय भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को अचानक इतनी तेज पेशाब महसूस होती है कि उसके लिए यह बहुत बुरी स्थिति हो जाती है और उस व्यक्ति को पेशाब को रोक पाना या कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पेशाब करने की यह तीव्र इच्छा दिन के किसी भी समय अचानक महसूस हो सकती है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति दिन और रात के समय कई बार यूरिन पास करना पड़ता है और कई बार तो यूरिन लीक हो जाता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के इलाज में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो डिसयूरिया नाम की एक बीमारी है, उसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इस बीमारी में पेशाब में जलन और दर्द महसूस होता है। आमतौर पर बात करें तो यह मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाने वाली ट्यूब में या फिर जननांगों के पास के क्षेत्र में महसूस होता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो जांघ के अंदरूनी हिस्से में दर्द, दुर्गंध वाला या कठोर गंध वाला मूत्र, पेशाब में खून का आना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो डिसयूरिया के इलाज में डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब को रोक न पाना, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि अनैच्छिक रूप से यानी कि बिना इच्छा के पेशाब का रिसाव होने लगता है। यह पेशाब न रोक पाने की स्थिति होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अनैच्छिक रूप से यानी कि बिना इच्छा के पेशाब का रिसाव होने लगता है, यानी कि मरीज उस समय भी पेशाब कर देता है जब वह नहीं चाहता है। इसमें शरीर में मूत्र को कंट्रोल करने वाले रिसेप्टर नष्ट या कमजोर हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति को खांसने या छींकने पर पेशाब रिसने से लेकर पेशाब करने की अचानक तीव्र इच्छा जागने लगती है और टॉयलेट तक जाने तक कंट्रोल न कर पाना, यह बीमारी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलती है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के इलाज में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको यूरिकाइन नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। यूरिनेट टैबलेट, यूरिफ्लेव टैबलेट, फ्लावैक्स टैबलेट, फ्लावोमेड टैबलेट, फ्लावोरेक्स टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई भी पेशेंट इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उसे देखने को मिल सकते हैं? जी मिचलाना, उल्टी होना, मुंह में सूखापन, सिर दर्द,
सुस्ती व चक्कर आना, धुंधली दृष्टि होना, घबराहट का होना, पसीना आना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर खिला लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिए जा सके। अब हम इसकी इंट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट का योजना करें। बात करें तो एस्टामाफिनोन, एल्प्राजोलम, एमेंटाडीन, बेटानिकोल, क्लोरफेनरामाइन, डिफेंड्रामाइन, ड्यूटाटीराइड, ग्लोक्सीटीन, फ्लोक्सीटीन, फ्रोसेमाइड, ये कुछ मेडिसिन हैं। इनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं, इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी है तो उसको इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को पेट से जुड़ी कोई बीमारी है या हाथों में कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को आँखों से जुड़ी कोई समस्या है तो उसको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमें सही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। एडल्ट्स में इसकी एक एक टैबलेट सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है और ज़्यादा ज़रूरत होने पर इसकी डोज बढ़ाकर दिन में एक एक टैबलेट 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को लेने की सलाह दी जाती है। और इस टैबलेट को हमेशा ही खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। ये यूरिकाइन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।